वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश रखे, खैर व आफियत में रखे। सवाल, हमारे यहाँ राइज जांकनी के आलम में करीबुल मर्ग के पास सूरह यासीन पढ़ने के सिलसिले में था कि क्या ऐसा करना दुरुस्त और जायज़ है? उसका जवाब ये याद रखेगा, मन आमिला सालिहन फले नफसी, जिसने भी नेकी का काम किया उसने अपने लिए किया है। इसलिए अब करीबुल मर्ग आदमी जो नेकी का काम कर गया है वही उसके लिए मुफीद है, कोई दूसरा आदमी कुरान पढ़कर दे नहीं सकता है, याद रखिएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वअल्लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए तो बस वही है जिसकी खुद उसने कोशिश की है। अब इस सिलसिले में एक रिवायत जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर कर दी गई है जबकि सही नहीं है, मुसनद अहमद में 19,789 नंबर की रिवायत है और अबू दाऊद में 3,121 है, माकिल बिन यसार रदी अल्लाहु अन्हु से मंसूब है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़्रऊ यासीन अला मौताकुम, मरने वाले पर यासीन पढ़ो। इसके बारे में उलमाए कुदामा, अल्लामा नववी आज से तकरीबन 800 साल पहले के हैं, कहते वल हदीथ ज़ईफ़ुन, ये रिवायत ही ज़ईफ़ है। ज़ईफ़हू अन्नववी फिल अज़कार, अल्लामा नववी ने इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है अल अज़कार के अंदर। अल्लामा इब्न हजर अल अस्क़लानी अत्तलख़ीसुल हबीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 104 पर कहते हैं, अअल्लहु इब्नुल क़त्तान बिल इज़्तिराब, इब्नुल क़त्तान ने इसको मुज़्तरिब करार दिया है और वह बिल वक्फ़, और कहा है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है बल्कि ये मौकूफ़ रिवायत है। वह भी जहाल, और ये भी कि रावी जो अबू उस्मान है या उसका बाप है ये मजहूल रावी हैं। वह नक़ल इब्नुल अरबी अनि दारक़ुतनी, इब्नुल अरबी अल मालिकी, ये इमाम दारक़ुतनी से नकल करते हैं, अन्नहु हदीसुन ज़ईफ़ुल इस्नाद मजहूरुल मतन, ये ज़ईफ़ुल इस्नाद भी है, सनदन भी ज़ईफ़ है और मतन भी मजहूल है। वला यसिहु फिल बाब हदीसुन, इस सिलसिले में एक भी रिवायत सही नहीं है। शेख अल अल्बानी ने इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है, इरवाउल गलील 688। इसी तरह से इब्न बाज़ रहमहुल्लाह ने ज़ईफ़ करार दिया है और मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन ने ज़ईफ़ करार दिया है। मालूम ये हुआ कि करीबुल मर्ग के पास जो वफ़ात के करीब है उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करनी चाहिए और अच्छी बात करनी चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए, दुआ देनी चाहिए, दुआ देनी चाहिए। फ़र्क याद रखिएगा, क़ुरान पढ़ना एक अमल है, दुआ देना अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपील है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दरख्वास्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दरख्वास्त बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन कोई अपना अमल किसी को नहीं दे सकता है, ये फ़र्क, बुनियादी फ़र्क याद रखिए। दुआ का ये मौका है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर पर मौत दे, कलिमा पर मौत दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरी वक्त में कलमा नसीब फरमाए, ये दुआ करते रहें, ये दुआ करते रहें। लेकिन जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है अगर हम करते हैं तो गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक ऐसी बात को थोपते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, और ये बहुत ही ख़तरनाक मामला है कि जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो
उसको हम कहें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, ये बात बहुत ही डेंजरस है। शायद हमारे यहाँ के बहुत से लोग इस हकीकत को नहीं जानते हैं। अगर इस हकीकत को जान जाएं तो कभी गैर साबित चीज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान ना करें, ये याद रखिएगा। इसलिए वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं करीबुल मर्ग के पास, उन्हें चाहिए कि करीबुल मर्ग के लिए दुआएं दें, दुआएं दें। कुरान पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ये चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। यहाँ तक कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त अजवाज मुतहरात बैठी थी, वो भी कहाँ तौहीद की बात बयान की कि उन्होंने हबशा की हिजरत के मौके पर क्या क्या देखा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भी उन लोगों पर भेजी जो लोग तस्वीरें, स्टैचू वगैरह अपने कनीसा में और अपने इबादत कदा में या अपने गिरजाघर में रखे हुए थे। तो मालूम ये हुआ कि उन लोगों ने भी कुरान नहीं पढ़ा। अजवाज मुतहरात चाहती तो कुरान पढ़ सकती थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के वक्त भी अजवाज मुतहरात ने कुरान करीम की तिलावत नहीं की, न सूरह यासीन की तिलावत की। तो हमें इससे क्या सबक मिलता है? मेरे भाइयों बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और वही काम दीन समझकर करो जो दीन से साबित हो, रब के कुरान और नबी के फरमान से साबित हो। कुरान में साफ लफ्ज़ मन अमिला सालिहन फले नफ्सी ही, जिसने भी नेकी का काम किया, जिसने कुरान पढ़ा उसने अपने लिए पढ़ा है। और वह अल्लैस लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए तो बस वही है जिसकी उसने कोशिश की है। वह अन्न सआयहू सौफ युरा, उसकी कोशिशें दिखाई भी जाएंगी। और जहाँ तक दुआ की बात है तो जितने हाजरीन हैं मैयत के पास या करीबुल मर्ग के पास, उन्हें बकसरत दुआएँ देनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से इल्तिजा और फरियाद करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको दीन पर मौत दे, इसका खात्मा बिलखैर फरमा। और इस किस्म के अपनी ज़बान में जो अल्फाज दुआया हो सकते हैं उनको अदा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही ये बात समझने की तौफीक देने वाला है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला।